एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो प्रीवियस क्लासेस तक हम चैप्टर 8 तक के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। यहाँ पे बोला है अगर लेंथ ऑफ शैडो जो है ट्री की वो डिक्रीज हो जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन द सेम, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हम एक ट्री बनाते हैं, ये ट्री की हाइट है और इसकी शैडो जो है वो अगर ये है और ये है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से अगर 30 डिग्री है तो वो बोल रहे शैडो अगर कम होती है, डिक्रीज होती है, अगर शैडो डिक्रीज हुई तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास अगर एंगल आता जाता है तो क्या होता है, एंगल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ये 30 मीटर अवे और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 30 डिग्री। ए बी सी मान लेते हैं इसको और हाइट हमें बिल्डिंग की फाइंड करनी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा का, तो यहाँ हम लगा सकते हैं 10 थीटा इक्वल ए बी अपॉन बी सी। 10 थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री, इक्वल ए बी अपॉन बी सी, ए बी एच अपॉन में 30, 10 30 डिग्री होता है 1/√3 इक्वल हाइट अपॉन में 30, ये 30 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 30/√3 इक्वल हाइट। अब ये हम ऑप्शंस में देखते हैं, यहाँ पे 30/√3 मीटर गिवन है तो हाइट क्या हो गई 30/√3। अगर ये गिवन नहीं होगा तो इसे हम रैशनलाइज कर देंगे, 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 इक्वल 30√3 अपॉन में √3 × √3 3 10 जा, तो फिर हमें ऑप्शंस मिलेगा 10√3 मीटर। यहाँ पे 10√3 मीटर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन हमने करेक्ट माना। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ही, इफ अ टॉवर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। यहाँ पे टॉवर जो है वो 6 मीटर हाई है, यहाँ पे हम बनाते हैं टॉवर 6 मीटर हाई है, कास्ट अ शैडो ऑफ 2√3 मीटर लॉन्ग, शैडो जो है वो 2√3 मीटर लॉन्ग है, देन द सन्स एलिवेशन इज, सन का एलिवेशन यहाँ पे हमें थीटा फाइंड करना है। हम इस ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी, ए बी जो है वो हाइट ऑफ द टॉवर है, 2√3 जो है वो शैडो है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो हम क्या ले सकते हैं 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल ए बी अपॉन में बी सी, 10 थीटा इक्वल, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है इसको ऐसे ही रहने देंगे, ए बी 6 अपॉन में बी सी 2/√3, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3/√3, 3 अपॉन में √3 रैशनलाइज करेंगे √3/√3, 3 √3 3 3 से 3 कैंसल 1 √3 बचा। √3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है 10 थीटा में, 10 थीटा इज इक्वल टू √3 होती है 10 60 डिग्री की वैल्यू, यहाँ 10 से 10 कैंसल तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री। ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थी, व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3 h मीटर लॉन्ग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। यहाँ पर पोल की हाइट जो है वो h मीटर है और शैडो जो है वो √3 h मीटर है, हमें एंगल फाइंड करना है। ए बी सी एक ट्राई करें, अगेन क्या लेंगे हम 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल ए बी अपॉन में बी सी, 10 थीटा, थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी
फॉर्म है BC root 3H. H से H कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा 1 by root 3. tan theta is equal to, tan में 1 by root 3 की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की. tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, theta क्या आ गया 30 डिग्री. ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस अलोंग द वॉल. इफ द फुट ऑफ लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ लैडर इज. यहां पर एक लैडर जो है उसे प्लेस करा है अलोंग द वॉल. तो ये एक वॉल है जिससे यहां पर एक लैडर रखी है और फुट जो है वो 8 मीटर है और 60 डिग्री का एंगल यहां पे हमें गिवन है. 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल दिया था तो ये, और हमें फाइंड क्या करना है लेंथ ऑफ लैडर ए बी सी. ये लेंथ ऑफ लैडर हमें फाइंड करना है, लैडर की लेंथ हमें फाइंड करना है. अब यहां पर बेस और हाइपोटेनस है. बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा में. कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन में AC. cos थीटा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू BC है 8, AC हमें फाइंड करना है. cos 60 डिग्री होता है 1 by 2 इक्वल 8 अपॉन में AC. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC ऊपर आ गया, 8 टू जा 16, 16 मीटर लेंथ है. यहां पे ऑप्शंस में लेंथ ऑफ लैडर क्या हो गया 16 मीटर. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर आर द सेम देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज. यहां पे बोल रहे हाइट और लेंथ जो है टावर की वो सेम है और हमें फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन. यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, यहां पे ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हाइट और शैडो जो है टॉवर की वो दोनों सेम है. अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है, ये थीटा हमें फाइंड करना है. यहां पे अगेन क्या लेंगे, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. टेन थीटा अपॉन इक्वल ए बी अपॉन में बी सी. टेन थीटा, थीटा हमें फाइंड करना है. ए बी और बी सी दोनों इक्वल है तो हम ए बी को ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन बी सी, बी सी के प्लेस पे भी हम ए बी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए बी इज इक्वल बी सी है. तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी तो हमने बी सी की जगह क्या रख दिया ए बी. ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा 1. टेन थीटा इज इक्वल टू 1. टेन में 1 कब आता है तो टेन 45 डिग्री पर. टेन से टेन कैंसिल, थीटा इक्वल कितना बचा 45 डिग्री. ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 25 मीटर हाई टॉवर इज 30 डिग्री. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ अ टॉवर इज. बेस जो है वो हमें फाइंड करना है, हाइट दिख रखी है 25 मीटर और डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 30 डिग्री. यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, नीचे से जब हम ऊपर देखते हैं तो क्या बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये क्या बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 30 डिग्री और बिल्डिंग जो है वो 25 मीटर हाई है. यहाँ पे हमें फाइंड करना है बेस, तो ए बी सी, बी सी हमें फाइंड करना है. अगेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेना है तो क्या आएगा 10. 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी. अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था तो इसका अल्टरनेटिंग एरिया एंगल क्या हो जाएगा 30. इसलिए हम सेम फॉर्मूले से ही सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन के. 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. 10 थीटा, 10 30 डिग्री इक्वल ए बी 25 है अपॉन में बी सी. BC हमें फाइंड करना है, tan 30 डिग्री होता है 1 by root 3 इक्वल 25 अपॉन में BC. BC ऊपर गया तो क्या हो गया 25 अंडर रूट 3 मीटर.
बेस क्या आ गया 25/3। ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर इज। यहाँ पर ये टॉवर है जिसकी शेडो जो है वो बोली थी कि जब 30 डिग्री थी तो उसे देखा गया कि वो 40 मीटर लॉन्गर था, ये एंगल 30 डिग्री, बाद में क्या हुआ 60 डिग्री हो गया एंगल। ये वाला जो पार्ट है हम ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये जो है ये 40 मीटर था लेकिन 60 डिग्री जब हुआ तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ नहीं पता, इसे हम मान लेते हैं x और हाइट ऑफ द टॉवर हमें फाइंड करना है इसे मान लेते हैं h। अब जब हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे तो यहाँ पे x या h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, तो हम करेंगे x की वैल्यू फाइंड। यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी ले सकते हैं, tan थीटा tan 60 डिग्री इक्वल ए बी क्या है हाइट h और बी सी x, tan 60 डिग्री रूट 3 इक्वल h बाय x, x की वैल्यू हम फाइंड कर ले तो x को ऊपर ले आते हैं रूट 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h बाय रूट 3, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब हम लेते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ab अपॉन में bd, tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू ab h है और BD x plus 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x plus 40 इक्वल रूट 3 h, x की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं h by root 3 फर्स्ट टर्म से, h by root 3 plus 40 इक्वल रूट 3 h, यहाँ रूट 3 का पूरे में एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा h plus 40 रूट 3 इक्वल रूट 3 इंटू रूट 3 3h, h को हम इक्वल में ले जाएंगे 40 अंडर रूट 3 इक्वल 3h माइनस h, ये हो गया 2h इक्वल 40 अंडर रूट 3, h इज इक्वल टू 40 रूट 3 अपॉन में 2 डिवाइड में आ जाएगा 2 वन जा 2 टू जा 4 0, हाइट कितनी हो गई 20 रूट 3, यहाँ पे हाइट ऑफ टॉवर कितना आया 20 रूट 3 मीटर। ऑप्शंस में देखेंगे 20 रूट 3 मीटर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ टॉवर एंड द लेंथ ऑफ इट शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ टॉवर और लेंथ ऑफ शैडो जो है वो रेशियो में गिवन है, तो रेशियो को हम लेट कर लेते एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स, तो लेंथ ऑफ टॉवर जो है वो हो जाएगी रूट 3x और शेडो जो है वो हो जाएगी x। यहां हम ड्रॉ करते ए बी सी, यहां पे हाइट रूट 3x शेडो x, एंगल हमें फाइंड करना है इसे मान लेते हैं हम थीटा। अब यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा आएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, tan थीटा हमें फाइंड करना है इक्वल ए बी रूट 3x अपॉन में x, x से x कैंसिल, tan में रूट 3 कब आता है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3, tan से tan कैंसिल थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थी, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री द हाइट ऑफ द टॉवर इन मीटर इज। यहाँ पे क्या बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मान लो ये हमारा बेस है और ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ए बी लेट कर लेते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 डिग्री। अब इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन
एक चीज याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जब हम ऊपर देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जब हम नीचे देखते हैं। तो यहाँ टॉप से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो ऊपर की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा 60 डिग्री का एंगल, और ये जो है वो केबल टॉवर है, तो हम इसे ड्रॉ कर देते हैं केबल टॉवर को, इसे नाम देते हैं सीडी। यहां से लाइन ज्वाइन करके बेस बना दिया हमने, ये कितना है 60 डिग्री। अब एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से हमें कहां तक का बोला है, फुट तक का 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ होता है, तो ये कितना है 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टॉवर इन मीटर, जो हाइट ऑफ द टॉवर है, ये जो टॉवर है इसकी हाइट हमें फाइंड करना है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। अब ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, तो इससे हम पहले बीडी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी यहां परपेंडिकुलर बेस ले रहे हैं तो क्या आएगा 10, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू एबी अपॉन द बीडी। 10 45 डिग्री होता है 1 इक्वल एबी कितना है 7 अपॉन में बीडी हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी कितना आ गया 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर। ये अगर 7 है तो इसका अपोजिट भी कितना होगा 7, ये अगर 7 है तो इसका अपोजिट भी कितना होगा 7, मतलब हमें फाइंड आउट बस सी करना है, हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास सीडी फाइंड हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल एसीई, एसीई अगेन यहां पर परपेंडिकुलर और बेस रखेंगे, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है तो यहां लेंगे 10, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू सीई अपॉन में एई, 10 60 डिग्री होता है रूट 3 इक्वल सीई हमें फाइंड करना है अपॉन में एई, हमारे पास 7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 7 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू सीई हो गया। हमें फाइंड क्या करना है टोटल हाइट टॉवर की, टोटल कितना है सीडी, हाइट ऑफ अ टॉवर, हाइट ऑफ टॉवर कितना है सीडी। अब सीडी जो है वो सीई प्लस एडी करके निकल जाएगा, सीई प्लस डीई, सीई कितना है 7 अंडर रूट 3 प्लस डी कितना है 7, दोनों में से हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो 7 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज आप हमने कंप्लीट कर दिए। आई होप यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्रीवियस चैप्टर की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।